ज्ञानवापी मामले में बड़ा मोड़ आया, जहां वाराणसी अदालत ने हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी परिसर में मौजूद व्यास तहखाने में पूजा करने की इजाजत दे दी। काफी संख्या में भक्त वहां दर्शन करने पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ इस मामले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष नाराज हो गए हैं। बता दें, बुधवार को वाराणसी जिले कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिण हिस्से में स्थित व्यास जी की तहखाने में पूजा पाठ का आदेश दिया था। आदेश के बाद बुधवार की रात करीब 2 बजे व्यास जी के तहखाने में पूजा शुरू कर दी गई थी। तहखाने के सामने से बैरिगेटिंग को भी हटा दिया गया। इस बात से मुस्लिम समाज के लोग नाराज हैं। वहीं इस दौरान मुख्तर अंसारी ने कहा कि कोई एविडेंस नहीं था। किसने उसको दिया? ये किसने किया? उनका कहना था 1993 तक व्यास जी का प्रचार नहीं, मैं जो पूछा हूँ वो बताइए। सरकार के कहने पर जी नहीं, एकदम गलत बात है। कोई याद है? पूरे जितने भी लोग हैं, सुनिए, सुन लीजिए। अरे भाई सुनिए तो, न्यायालय ने जो समझा वो आदेश किया, मगर मुस्लिम समाज इस बात से मरमाहत है कि व्यास जी का नाती जो शैलेंद्र पाठक ने जिला जज की अदालत में मुकदमा किया, उस पर कोई ऐसी एविडेंस नहीं थी। क्या ऐसी अर्जेंसी थी कि 17 तारीख को आप जिला अधिकारी के सुपुर्दगी में देते हैं, उसके बाद में आप 31 तारीख को रिटायर हो रहे हैं और उस दिन पूजा पाठ की बात देते हैं? क्यों देते हैं? तो वही मस्जिद की देखरेख करने वाले अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने शुक्रवार को जुम्मे के दिन बंद का ऐलान किया है। इस बारे में कमेटी की तरफ से एक पत्र भी जारी किया गया है। इस दिन वाराणसी में मुस्लिम समाज के लोग अपनी दुकानें और प्रतिष्ठान बंद रखेंगे। कमेटी ने मुस्लिम समाज के लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से अपने कारोबार बंद रखने के साथ शहर में अमन शांति कायम रखने की अपील की है। उन्होंने बताया कि जुम्मा की नमाज से लेकर असर की नमाज तक मस्जिदों में दुआ खवानी भी की जाएगी।